सबसे पहला नियम ध्यान देकर सुनना, कम से कम रोज एक साथ परिवार बैठकर भगवान की आरती या भजन किया कर। भले महाराज सब अलग अलग जगह जाते हैं, इकट्ठे हो ही नहीं पाते, कई कई तो ऐसे माता पिता हैं बच्चों के सोने के उठने के पहले चले जाते हैं और उठने के बाद आते हैं, बच्चे देख ही नहीं पाते माता पिता कब जाते हैं और कब आते हैं, ऐसे ऑफिस का काम भी है। रोज ना कर सको तो कम से कम महीने में एक बार हवन जरूर किया करो। जिस घर में हवन होता है उस घर में परमात्मा का वास होता है। सामर्थ्य तो ब्राह्मण को बुलाओ, नहीं तो खुद गायत्री का 108 माला कर लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 माला कर लेना, विश्वास मानो, और थोड़ा प्रसाद बना के बच्चों में बांट देना। जिसके घर में महीने में एक बार हवन होता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मेरे ठाकुर का वास हो जाता है। ये सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा आप बताओ घर की लक्ष्मी कौन होती है? बहू। जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। अच्छा एक लक्ष्मी और भी है, कौन? अरे बहू बेटी सास ये सब एक ही तो है, महिलाएं तो है, लेकिन एक लक्ष्मी और भी है। हमारे गुल्लू भैया धन के पीछे पड़े थे, कहते धन धन तो ये तो माया है, जितना इसके पास जाओगे उतना दूर जाएगी, इसका भी तुम्हें बताएंगे। लेकिन वो लक्ष्मी कौन है? वो लक्ष्मी है झाड़ू, जो तुम्हारे पूरे घर का दरिद्र साफ करती है वो लक्ष्मी रूप झाड़ू है। ध्यान देना, जो इस झाड़ू रूपी लक्ष्मी की कदर करता है, एक एक बात ध्यान से सुनना, जो झाड़ू रूपी लक्ष्मी की कदर करता है उस लक्ष्मी पे कभी पैर मत मारना, वो झाड़ू रूपी लक्ष्मी पे कभी पैर नहीं आना चाहिए, और कभी उस झाड़ू को ढीली मत छोड़ना। जिस घर में झाड़ू की तिलियां बिखरती है ना उस घर में परिवार बिखरने में देर नहीं लगती है। और झाड़ू का भी एक व्यवस्थित स्थान होना चाहिए, जैसे तुमने अपने घर को एक व्यवस्थित स्थान बना रखा है ना कि किसी की नजर ना पड़े, इसी प्रकार तुम्हारे घर में झाड़ू रूपी लक्ष्मी पे हर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। कभी उस झाड़ू को उल्टा खड़ा मत करना, वरना सारे काम उल्टे ही होंगे। और उससे अगला नियम बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? किस किस को आ रही है? बहुत अच्छी बात। उससे नियम कि जब भी भोजन बनाओ, भोजन या भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाओ, और जब आप भगवान से कहोगे कि हे गोविंद ये मैं भोजन नहीं तेरा प्रसाद बना रही हूं, तो विश्वास मानो वो महाप्रसाद बन जाता है। जो इस प्रसाद को खाता है चाहे कितना भी उसमें विषय विकार भरे हो तुरंत उसका मन पवित्र हो जाता है। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। और जब भी भोजन बनाओ पहली और आखिरी रोटी जरूर निकालना। अब ये दो रोटी किसकी होती है ध्यान देना, पहली रोटी होती है गाय की और आखिरी रोटी होती है।